Dear students, a warm welcome to my YouTube channel Learn Maths with Manoj Sharma. मैं आपका मनोज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में. तो बच्चों, सबसे पहले फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए. तो बेटा, आज का जो ये वीडियो है, ये हमारे 10th क्लास मैथ्स का वीडियो है. इसमें हम लोग रिवीजन करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं. उसकी हम एक्सरसाइज 1.4 को रिवाइज करेंगे. तो बेटा, कम टू द टॉपिक. जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. द क्वेश्चन इज, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार सात हैं या असांत आवर्ती. यानी आपने क्या करना है, आपने लंबी विभाजन प्रक्रिया भाग नहीं करना है, बिना भाग दिए आपने बताना है कि ये जो आपको संख्याएं दी गई होंगी, परिमेय संख्याएं, इनके जो दशमलव प्रसार हैं वो सात हैं या असांत आवर्ती. तो सात वो होते हैं जिनका जो है दशमलव प्रसार बंद हो जाता है, और असांत आवर्ती वो होती है जिनका जो दशमलव प्रसार बार बार आता रहता है. तो इस क्वेश्चन के पांचे पार्ट्स हैं. हम लोग कुछ पार्ट्स को रिवाइज करेंगे. जैसा ही आपका फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 13/31/25, राइट. तो ये जो 13/31/25 है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे करना है इसको. सबसे पहले 31/25 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. वो आपके पास आएंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 की घात 5. ठीक है बेटा. सो, ये लिख लिया आपने. फिर उसके बाद यहां पर हम लोग जो है, जो डिनोमिनेटर यानी 31/25, हमने जो है डिनोमिनेटर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन की है, उसके फैक्टर्स को हम चेक करेंगे कि वो किस रूप के हैं. जैसे यहां पर ये जो है, ये है फिर डिनोमिनेटर 3125 = 5^5 इज ऑफ द फॉर्म 5^m. यानी जो हर है 31/25, वो आपका 5 की घात 5 यानी 5 की घात m के रूप का है. तो बेटा, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था, तब हमने देखा था कि जो परिमेय संख्याएं जिनका हर का हर जो है वो 2 की घात m या 5 की घात n रूप का होता है, वो सारी परिमेय संख्याएं जो है सात होती हैं. तो यहां पर हमारे पास आ गया 5 की घात m. तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी संख्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो ये हमारा रैशनल नंबर है या जो परिमेय संख्या है, तो देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग. अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार सात है. तो बेटा, मैंने जैसे आपको अभी भी बता दिया, दोबारा बता देता हूं, इस तरह के प्रश्नों में हमने करना क्या है, हमने जो उनका हर है, डिनोमिनेटर है, उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उसको चेक करना है कि वो किस टाइप का आता है, 2^m × 5^n, या ऐसे कह लो 2^n × 5^m इस रूप का आता है, या उसके साथ कोई और संख्याएं आती हैं. यदि कोई और संख्याएं आती हैं, तो जो दशमलव प्रसार होता है तो असांत आवर्ती होता है. यदि ये दोनों या ये दोनों में से एक भी आ जाए, तो दशमलव प्रसार सात होता है. ठीक है बेटा, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 17/8, सेकंड पार्ट. ठीक है, 17/8, 17/8. तो इसके लिए देखो, कुछ नहीं करना है, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, अभाज्य गुणनखंड करना है.
दो गुणा दो गुणा दो यानी दो की घात तीन आ गया, टू रेस्ट पावर थ्री। हेयर डिनोमिनेटर यहां हर, आठ बराबर है दो की घात तीन, एट इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर थ्री, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म टू रेस्ट पावर एन, दो के घात एन के रूप का है, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17.8 इज टर्मिनेटिंग। तो वहां पांच की घात एम आया था पहले भाग में, दूसरे घात में दो की घात एन आ गया, तो ठीक है बेटा। तो यानी क्या है, यदि इन दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो तो भी जो आपका दशमलव प्रसार है यानी डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज टर्मिनेटिंग, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार भी 7 है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो है 64/455, ठीक है बेटा, ये हमने थर्ड पार्ट इसको देखेंगे। अगर आप देखें इसको थर्ड पार्ट में, यदि आप 455 जो हर है, जो आपका डिनोमिनेटर है 455, उसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो वो आते हैं 5 × 7 × 13, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है 455 इज इक्वल टू 5 × 7 × 13 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2^n × 5^m, ठीक है। यहाँ हर 455 बराबर है 5 × 7 × 13 2^n × 5^m के रूप का नहीं है, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अतः 64/455 का जो दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती है। तो यह बेटा आपने ध्यान रखना है, दोनों टाइप मैंने करा दिए, यहां से आपको क्लियरली समझ आ गया होगा, कुछ नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने डिनोमिनेटर लेना है उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, भाज्य गुणनखंड निकालने हैं, फिर वो चेक करने हैं यदि वो 2^n × 5^m के टाइप के होंगे तो 7 यानी टर्मिनेटिंग होंगे, अगर इस टाइप के नहीं होंगे तो अशांत आवर्ती होंगे, ठीक है बेटा। सो इसमें हम एक पार्ट और करेंगे, फोर्थ पार्ट जो है आपका, फोर्थ पार्ट है आपका 29/343, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में यहां पर हम हर देखते हैं, हमारे पास हर क्या आ रहा है 343, 343, इसके भाज्य गुणनखंड 7 × 7 × 7 यानी 7³, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर 343 इज इक्वल टू 7^3 इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2^n और 5^m। हिंदी में क्या लिखेंगे, यहां जो हर है आपका, यहां हर 343 बराबर है 7³ यानी 2^n × 5^m के रूप का नहीं है। तो ये नहीं होने के कारण क्या लिखेंगे अब आप, देयरफोर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है बेटा। तो योगे इसके चार पार्ट, सब तीन चार पार्ट्स आपने, बाकी जो पार्ट्स हैं चार पांच वो आपने खुद रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का जो रिलेटेड है उसको करते हैं, वो क्या है लिख रहे हैं आप, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। प्रश्न एक, पहला प्रश्न है ये, पहला नहीं दूसरा प्रश्न, प्रश्न दो है ये, उन प्रश्न है सॉरी, प्रश्न एक की उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो 7 है। जो भी आपने प्रश्न किया है उस प्रश्न में से जो 7 आए थे अब उनका दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। हमारा जो इसमें जो है, हमारा पहला था वो था 13/31/25। क्या था पहला, 13/31/25। यदि हम इसको देखते हैं बेटा तो यहां पर आप देखेंगे कि 13/31/25
को जब हमने 13, तो 13 ही आ गया, उसकी जगह 31 25 जो है उसके हमने जो वहां पे अभाज्य गुणन खंडन किए थे, तो वहां पर जो वो आया था 31 25 इसके बराबर आया था 5 के बराबर, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में। इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, 13 बटे 5 की घात 5 गुना, इसको किससे गुना करेंगे, 5 की घात 5 है तो इसको हम किससे गुणा कर देंगे, गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, किससे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5। ऐसा करने से क्या जाएगा आपके पास, 13 गुना 32, 32 आया 2 की घात 5 बटे, अब आपको ये 9th में 8th में आपने फार्मूलेज पढ़े थे उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि हम घातांक घात में जो है गुणा करते हैं और उनके घातांक सेम हो तो ब्रैकेट के अंदर चले आते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, 5 की 5 गुणा 2 की 5, ये क्या बन जाएगा, 5 गुणा 2 पूरे की घात 5 यानी 10 की घात 5, और वो 13 गुणा 32 बन जाएगा आपका 416, ठीक है बेटा। तो 416 बटे ये 10 की 5 यानी एक के साथ 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, तो आपके पास जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा 0.00416, 0.00416, ठीक है बेटा। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन वो है 17/8, तो इसका भी दशमलव प्रसार ऐसे निकाल लेंगे, वो क्या होगा देखेंगे आप, 17/8, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 17/2 की घात 3, 2 की घात 3 है तो किससे गुणा करेंगे, 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3 से, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 3, तो आपके पास क्या जाएगा, 17 गुणा 125 बटे 2 गुणा 5 पूरे की घात 3, तो 17 गुणा 125 तो गुणा करके आता है 2125, 2125, और नीचे आ जाएगा 10 रेज टू पावर 3, ठीक है बेटा। तो अब ये क्या बन गया, 2125/1000, यानी इसको अब हम डेसिमल लगा देंगे तो क्या जाएगा, 2.125, 2.125, ठीक है बेटा। तो इस एक्सरसाइज में यही थे दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, आपने कर लेने, और इजी क्वेश्चन है, जैसे भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत इजी था ये, इसको आप कर सकते हैं, सभी बच्चे इसको करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। वीडियो ठीक है बेटे, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मेरे इस चैनल को ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसने अभी तक नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब माई चैनल लर्न मैथ्स विद विनोद शर्मा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।